पाएगा, कोशिश करेंगे कि हम भागे आगे तक, क्योंकि आपको काफी कुछ पता है, ठीक है। लेकिन पहला जो पेज है सारा टर्निंग आपके वहीं पर ले लूंगी मैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट पेज के अंदर ही जो अब तक आप लोगों को भी नहीं पता है, सबसे पहले आप देखते हैं सुप्रीम कोर्ट। पहले हमारे पास तो ब्रिटिश का रूल था, हम तो वही आपके कल भी मैंने पंचायत में आपको बताया कि हम लोग यहाँ पर तो अपना जो न्याय अपना जजमेंट को लेते नहीं थे, हमें लंदन जाना पड़ता था। तो सुप्रीम कोर्ट हमने कंसेप्ट दिया था, ये ध्यान रखना है कि पहली बार कोर्ट वर्ड यूज हुआ था कोर्ट न्यायालय, तब एक बंदा था उसने बोला कि इंडिया में कोर्ट को खोला जाए क्योंकि यहाँ से जस्टिस के लिए जाना गलत होता है, नहीं हो पाता। तो पहली बार जिसने इंडिया में कोर्ट का कंसेप्ट दिया, न्यायालय का कंसेप्ट दिया, वो बंदा था वॉरेन हेस्टिंग्स, क्लियर। फादर ऑफ इसको बोल सकते हो आप जुडिशरी सिस्टम इन इंडिया, ठीक है, फादर ऑफ जुडिशरी सिस्टम इन इंडिया वॉरेन हेस्टिंग्स। समझे, वॉरेन हेस्टिंग्स ने भारत में न्याय का पिता या न्यायपालिका का पिता माना जाता है इनको। अभी क्या हुआ था कि वॉरेन हेस्टिंग्स उस समय, अब आपसे क्वेश्चन टर्न होगा, बोलेगा पहली बार कोर्ट, ठीक है, न्यायालय भारत के लिए यूज हुआ था किस एक्ट के अंडर में। अगर एक्ट पूछ दिया तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। मैम कैन यू रिपीट स्टेटमेंट प्लीज। 17 फर्स्ट टाइम जो कोर्ट वर्ड यूज हुआ था 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर में, समझे, ठीक है। इस समय तीन जगह कोर्ट बना था, बंगाल, मद्रास और कलकत्ता, बॉम्बे कलकत्ता और मद्रास था, बॉम्बे कलकत्ता और मद्रास। पहली बार हमारा मद्रास, बॉम्बे कलकत्ता मद्रास, समझ गए, क्लियर। तो पहली बार कोर्ट वर्ड यूज हुआ था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट।